हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन एज वेल एज पार्टनर्स कमीशन। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स कमीशन एज वेल एज पार्टनर्स कमीशन। ये जो मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट है, ये तो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। और वहाँ एक बहुत फेमस एडजस्टमेंट होता है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, है ना। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज ओन कमीशन, ऐसा लिखते हैं। एंड मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज ओन कमीशन, इस तरह से वर्ड लिखा जाता है। तो आपको याद हो तो आप बिफोर कमीशन में फॉर्मूला लगाते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, है ना। ये बिफोर चार्जिंग वाले केस में होता था। और उसके बाद अगर आफ्टर चार्जिंग होता था तो उसके पीछे आप फॉर्मूला लगाते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन होल अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अच्छा, इसके पीछे भी लॉजिक भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला। इसमें कि हम ये मान लेते हैं कि भाई कमीशन की वैल्यू एक्स है या कमीशन की वैल्यू 100 है, सॉरी नेट प्रॉफिट की वैल्यू 100 है, कमीशन 10 है, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 हुआ, तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करते थे। सेम टू सेम फंडा यहां भी रहेगा, बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन का। बट यहां पर एक प्रॉब्लम पड़ जाती है, मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन, ये दो प्रॉब्लम्स तो ये हैं और फिर दो प्रॉब्लम ये हैं। एक तो आया मैनेजर्स कमीशन, एक आया पार्टनर्स कमीशन। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर जो है ये आउटसाइडर है, एंड पेमेंट टू मैनेजर, कमीशन पेड टू मैनेजर इज अ कंपलसरी और ऑब्लिगेटरी एक्सपेंस विच इज अ चार्ज फॉर द फर्म, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, है ना। इन द सेम वे पार्टनर हिमसेल्फ इज द ओनर और पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, इट इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन P&L अप्रोप्रिएशन एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, ये अपने आप में एक डिफरेंस और अल्टीमेटली क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर इसका मीनिंग ये कि एक कमीशन जाएगा किसमें, P&L अकाउंट में, एक कमीशन जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, और दोनों के लिए नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसके लिए नेट प्रॉफिट वो होगा जो P&L में आता है ना, और जो अप्रोप्रिएशन चार्ज करने से पहले होगा, इसके लिए नेट प्रॉफिट होगा वो वाला नेट प्रॉफिट विच इज द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी अप्रोप्रिएशन। और इसके लिए अगर ऐसा दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एडजस्टमेंट्स एंड ऑल अप्रोप्रिएशन एंड इज ओन कमीशन, तो इसके लिए जो मैं ये बोल सकता हूँ नेट प्रॉफिट होगा वो कौन सा होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो हम P&L अप्रोप्रिएशन निकालते हैं, जिसको हम P&L में निकालते हैं और P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, और इसके लिए नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। इसमें एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। लेट सपोज के आप की एक फॉर्म है जिसमें देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, और इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, बाकी मैं और डिस्कशन नहीं कर रहा। और इसमें एक कंडीशन है, मैनेजर्स कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, मीन सारे एक्सपेंसेस दे लो, इसका कमीशन दे लो और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उस पर 10% कमीशन इसको देना। नंबर टू, बीज कमीशन इज 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, फाइन, ये दे दिया। और मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट इसके अंदर दे रखा है 93,500। इस साइड से हम ये मान लें कि तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन टोटल 30,000 रुपीज है। ज्यादा भी हम जिस केस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं उसी पे देखें तो बेटर है। सो दीज आर द केसेस, क्या देखकर रखा, एबीसी थ्री पार्टनर्स हैं, उनका 5:3:2 का रेशियो है, दो कमीशन की कंडीशन है, मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और पार्टनर को भी कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, सब देने के बाद। अब फिर वही बात आ गई, मैनेजर का कमीशन इट इज अ चार्ज, ये चार्ज है,
पार्टनर्स का कमीशन जो है इट इज एन अप्रोप्रिएशन, ये जाएगा पी एंड एल में, कंपलसरी पेमेंट है, ये जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, है ना। और ये नेट प्रॉफिट आ गया 93,500, ये है नेट प्रॉफिट, इसको मैं गलत लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर बोथ कमीशंस एंड आईओसी इज 93,500, दोनों का कमीशन चार्ज करने से पहले और इवन आईओसी चार्ज करने से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है वो 93,500। अब सबसे पहले लिसन, आईओसी इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन, तो ये एक अप्रोप्रिएशन है, ये एक अप्रोप्रिएशन है, तो ऑल दीज विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। ये जो है मैनेजर का कमीशन, नाउ दिस इज अ चार्ज, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। देखिए तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं हम कि एक हमारा मेमोरेंडम पी एंड एल अकाउंट ओपन कर ले, या सिर्फ पी एंड एल अकाउंट ओपन कर ले, छोटा सा जस्ट ऑफ टू लाइन्स, है ना, और यहां पर हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, कितना था ये 93,500, और कंडीशन क्या है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला क्या लगता है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, फॉर्मूला इज व्हाट 93,500 इनटू रेट ऑफ कमीशन इज 10 अपॉन 100 प्लस 110, रिजल्टेंट वैल्यू इज 8,500, and finally we have what net profit which is rupees 85,000, ठीक है, ये कौन सा profit है, now this is the profit which is which comes after charging manager's commission but before charging what B's commission and IOC, this is the profit, ये वो profit है जो manager का commission charge करने के बाद आया but B का commission और IOC charge करने से पहले आया है, ठीक है, net profit आ गया। अब इसके बाद आप चाहें तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लीजिए, इसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा, बना कह लीजिए उसमें ये बना अपना, ठीक है, और इसके लिए ये नेट प्रॉफिट इधर ब्रॉट डाउन होगा बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट व्हाट ब्रॉट डाउन 85,000, नाउ फर्स्ट वी विल चार्ज व्हाट आईओसी कमीशन, तो उसके बाद ही आएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट सपोज तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000, ये गिवन ये भी है, ठीक है, ये भी हो गया चार्ज। Now what? Now first we will charge the commission of the manager. No, sorry, commission of the B. So to B's commission. Fine. अब B का commission कैसे आएगा? First we will deduct this IOC from this available profit. 85,000 minus 30,000 is 55,000. Now B's commission will be charged on this 55,000. इस पे भी case कौन सा है? After it into 10 upon 100 and 55,000 into 10 upon 110 is rupees 5,000. Fine. Or finally, we will reach to what? To NDP, which will be 55,000 minus 5,000 is 50,000, which will be distributed between ABC in their profit sharing ratio 5, 3 and 2. तो ये हमारा कमीशन था मैनेजर का, जिसको हमने कहां पर रिकॉर्ड किया, पी एंड एल में बीइंग अ चार्ज, फिर उसके बाद हमने इसको डिडक्ट किया और फिर उसके बाद इसको नीचे ब्रॉट डाउन किया, आईओसी और बीस कमीशन दिया, और फाइनली वी विल रीच टू एनडीपी। अच्छा एक बात और, अगर यहां पर नेट प्रॉफिट की जगह बिफोर कमीशन आ जाए, तो बिफोर कमीशन आ जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा 93,500 इंटू 10 अपॉन 100, 9350 विल बी द कमीशन, बाकी प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, ठीक है, इसमें भी बिफोर आ जाए तो 55,000 इंटू 10 अपॉन 100, बिफोर में तो वही लगता है इसमें। अच्छा इसका एक मेथड और होती है, कई दफा कुछ लोग क्या होता है कि पीएफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, तो उसका एक ये कर सकते हैं आपके आप डायरेक्टली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, है ना, और उसमें हम रिकॉर्ड करें बाय पी एंड एल अकाउंट, है ना, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और उसमें हम लिखें पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, That is what 93,500, और उसमें से माइनस कर दें मैनेजर्स कमीशन, सेम टू सेम प्रोसीजर 93,500 इंटू 10 अपॉन 110, तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8,500, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 85,000, और यहां से जैसे सीक्वेंस वाइज चल रहा है वैसे लिखते हैं टू आईओसी 30,000 और टू वॉट बीस कमीशन। ये मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली बनाना पसंद नहीं करते, वो इसी में एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये भी है बेसिकली, इसलिए क्योंकि हमें कंसंट्रेट करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पे, तो एक ये ट्रीटमेंट है और एक ये ट्रीटमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन।
आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी एनी डाउट, कोई भी नया एडजस्टमेंट हो जिसमें प्रॉब्लम हो आपको, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन. थैंक यू.